नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीक टर्की ने अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कान के फर्स्ट प्रोटोटाइप की मेडन फ्लाइट कंडक्ट करवाई थी और इस फाइटर जेट को डेवलप करके टर्की उन इलीट ग्रुप ऑफ नेशंस में शामिल हो गया है जिन्होंने फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप किया है, दैट इज़ यूएसए, चाइना और रशिया। सो नाउ टर्की ऑल्सो ज्वाइंट दिस क्लब। ऑल्सो कान टर्की का फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड फाइटर जेट होगा, फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड नेशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑफ टर्की, क्योंकि टर्की के पास अभी करंटली अमेरिकन F-16 एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट है विच आर प्रोड्यूस्ड अंडर लाइसेंस। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दैट इज़ आमका, उसकी बात करें तो इट इज़ स्टिल इन द डिज़ाइनिंग फेज। टर्की एंड इंडिया ने फ्यूचर फाइटर जेट की डेवलपमेंट का प्रोग्राम आज से करीब 15 साल पहले स्टार्ट किया था, बट DRDO इज स्टिल इन द फेस ऑफ फंडिंग अप्रूवल। नाउ कान की डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा की गई है, बट इसकी डिजाइनिंग के लिए यूके की हेल्प ली गई थी। 2017 में टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और यूके की BAE सिस्टम्स के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था टू टेक असिस्टेंस फ्रॉम BAE इन द डिजाइनिंग फेस ऑफ द एयरक्राफ्ट। नाउ कान इज अ ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट एंड इस प्रोटोटाइप में अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक इंजन्स का यूज किया गया है और इनिशियल यूनिट्स में भी सेम इंजन्स का ही यूज़ होगा, बट टर्की इंडिजिनस टर्बोफैन इंजन्स की डेवलपमेंट पर भी काम कर रहा है टू यूज़ दम इन कान इन फ्यूचर। नाउ इस प्रोटोटाइप का ये पहला ग्राउंड टेस्ट था, बट इसके बाद 5 और प्रोटोटाइप्स को डेवलप किया जाएगा जिसके लिए टर्की अमेरिका से 10 जनरल इलेक्ट्रिक इंजन्स ऑलरेडी प्रिक्योर कर चुका है। नाउ टर्किश एयर फोर्स में कान की इंडक्शन की बात करें तो TAI के CEO तमल कोटिल के अकॉर्डिंग कान की फर्स्ट डिलीवरी 2028 में शेड्यूल्ड है और इसके बाद 2029 से सीरियल प्रोडक्शन की स्टार्टिंग विद अ कैपेसिटी ऑफ 2 जेट्स पर मंथ, दैट इज 24 एयरक्राफ्ट्स पर ईयर। नाउ टर्की और इंडिया के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के प्रोग्राम ऑलमोस्ट सेम टाइम पर स्टार्ट हुए थे। टर्की की बात करें तो 2010 में टर्की की डिफेंस इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव कमेटी ने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर की डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का डिसीजन लिया और 2011 में गवर्नमेंट ने टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ फाइटर जेट की कंसेप्ट स्टडीज़ के लिए एग्रीमेंट साइन किया। इसके बाद 2016 में फिर टर्किश गवर्नमेंट ने फाइनली डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए एयरक्राफ्ट की डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए $1.18 बिलियन की अप्रूवल दी। नाउ इंडिया की बात करें तो इंडिया के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम 2010 में स्टार्ट हुआ था। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की 2015-16 की एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अक्टूबर 2010 में इंडियन गवर्नमेंट ने फिफ्थ जनरेशन फाइटर की डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट की फिजिबिलिटी स्टडीज़ के लिए 90 करोड़ सैंक्शन किए थे, बट नाउ आफ्टर सो मैनी ईयर्स द प्रोजेक्ट इज़ गेटिंग डिलेड। नाउ एमका का इनिशियल डिज़ाइन फेज फाइनल हो चुका है, बट अभी गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग की अप्रूवल पेंडिंग है। लास्ट ईयर अप्रैल में DRDO ने कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी दैट इज़ CCS को अप्रोच किया था टू सिक्योर एन एडिशनल फंडिंग ऑफ ₹15,000 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट फेज ऑफ द एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, बट कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अप्रूवल अभी पेंडिंग है। एंड DRDO के चीफ डॉक्टर समीर कामात के अकॉर्डिंग CCS की अप्रूवल के बाद एमका की इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में इंडक्शन तक करीब 10 साल का टाइम लगेगा, फर्स्ट फ्लाइट 7 साल में, बट इंडक्शन मे टेक 10 ईयर्स, बट दैट इज़ वेन DRDO गेट्स फंडिंग। उन्होंने कहा कि LCA Mark 2 2028 तक प्रोडक्शन के लिए रेडी होगा, सो इंडक्शन ऑफ तेजस Mark 2 इज़ पॉसिबल बाई नियर 2030, बट एमका इट इज़ बाई अराउंड 2035। एमका के इनिशियल वेरियंट MK-1 को अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक इंजन्स पावर देंगे, बट लेटर वेरियंट्स के लिए इंडिया इंडिजिनस इंजन्स की तरफ जा सकता है इफ़ इट डेवलप्स वन। And India is looking for a partner to work on the co-development of the turbofan engine. So LCA Mark 2, I will say by 28 should start getting ready for induction. The AMCA, the phase 1 with the G414 engines should start flying in about 10 years. Or should for the first flight will happen in 7 years, but the induction may take 10 years. The AMCA phase 2 with the larger size engine, that unless we sign the engine deal for co-development with another OEM, I will not be able to give you a date. So it's dependent on whom we go with the engine. And last month,
फ्रेंच साफरन कंपनी ऑफर्ड 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द फाइट फ्यूचर फाइटर जेट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडिया, बट दिस इज अ डिफरेंट इशू. नाउ इंडिया का नेबर चाइना, इट ऑलरेडी पोजेस फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट, दैट इज J-20, एंड लास्ट मंथ पाकिस्तान ऑल्सो अनाउंस टू प्रक्योर चाइनीज J-31 फाइटर जेट विच इज अंडर डेवलपमेंट एंड नॉट इंडक्टेड इन टू द चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स. और अगर हम टर्की के व्यू पॉइंट से देखें तो इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर द नेशन, बिकॉज अमेरिका ने टर्की को अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट F-35 के प्रोग्राम से बाहर कर दिया था. दरअसल USA अगस्त 2017 में एक एक्ट लेके आया था जिसका नाम है काट्सा, दैट इज काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शंस एक्ट. काट्सा का पर्पस था कि जो कंट्रीज, जो नेशंस रशिया, नॉर्थ कोरिया या ईरान जैसी कंट्रीज के साथ डील करते हैं, जिनकी इन कंट्रीज के साथ डीपर डिफेंस टाइज हैं, उन पर सैंक्शंस लगानी. बट उसी साल दिसंबर 2017 में टर्की ने रशिया के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील साइन की. इसके बाद USA और नाटो अलाइज द्वारा टर्की को काफ़ी वार्निंग्स दी गई, बट टर्की डिड नॉट स्टेप बैक. सो 2020 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा टर्की के S-400 परचेज के एक्ट पर सैंक्शंस लगा देगी, एंड दीज सैंक्शंस पुट अ बैन ऑन ऑल US एक्सपोर्ट लाइसेंस, एसेट फ्रीजिंग एंड सम वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस ऑन टर्की. USA का कहना था कि S-400 मिसाइल सिस्टम इज़ अ थ्रेट टू द नाटो अलाइज एंड इट्स F-35 फाइटर जेट, और टर्की के लिए ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था क्योंकि टर्की USA के F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम में अराउंड $1.4 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका था. बट इसके बाद USA ने ना तो फंड्स वापस किए और ना ही टर्की को फाइटर जेट्स प्रोवाइड किए. सो आफ्टर दिस सिनेरियो इट इज़ एन अचीवमेंट फॉर टर्की. वैसे देखा जाए तो इंडिया ने भी रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स परचेज किए थे. 2018 में इंडिया ने रशिया के साथ S-400 की 5 यूनिट्स का एग्रीमेंट साइन किया था, 3 डिलीवर्ड 2 पेंडिंग. बट USA ने इंडिया पर कोई सैंक्शंस नहीं लगाई, उसका रीज़न था चाइना. USA ने 2022 में एक लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट पास की जिसमें इंडिया को काट्सा सैंक्शंस में एग्जम्पशन दी गई टू हेल्प इंडिया डेटर चाइना बाई डिप्लॉइंग S-400 मिसाइल सिस्टम. बट इफ़ यू टॉक अबाउट दिस एयरक्राफ्ट, दिस कान एयरक्राफ्ट, इट वुड नॉट बी एन एडवांस्ड फाइटर जेट, बिकॉज अगर हम चाइना और रशिया के फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स को भी देखें तो दे आर नॉट एज एडवांस्ड एज F-35. चाइना का J-20 इट इज़ अ सेम कॉपी ऑफ F-35 ऑफ USA, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी यह कहा गया था कि समहाउ चाइना मैनेज टू गेट द ब्लू प्रिंट्स ऑफ द F-35 एयरक्राफ्ट, एंड आफ्टर दैट इट डेवलप्ड इट्स J-20 आफ्टर स्टीलिंग द डिज़ाइंस ऑफ F-35. और रशिया का सुखोई 57, जिसकी इंडक्शन रशिया में 2020 में ही स्टार्ट हुई थी, इट इज़ ऑल्सो नॉट येट अ प्रूवन फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट. But now India needs to give pace to the AMCA project and start induction into the Indian Air Force before the Pakistan.